हाय फ्रेंड्स, नेचर्स वेब ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड है। जैसे कि आपको मालूम होगा, बहुत सारे स्टेट्स में डेंगू का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग इससे बीमार हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का इससे डेथ हो रहा है। हमारे इंडिया का ही एक स्टेट है जिसने एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप लिया है इसको कंट्रोल करने के लिए। वो चीज़ हम जैसे हॉबिस्ट के घर में या कहे तो एक्वेरियम में पाया जाता है। क्या सब मैटर है, मैं आपको आगे पूरा विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए आपको विथ पेशेंस वीडियो को अंत तक देखना है। एंड अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे, जैसे ही इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में अभी डेंगू का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हमारे ओडिशा में भी अभी डेंगू का केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आप लोग नोटिस किए होंगे, सुबह जो कचरा लेने के लिए गाड़ी आता था उसमें पहले गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, ये गाना बजता था। बट अभी डेंगू के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी डेंगू का केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से यूपी में भी डेंगू को मस्कीटो फिश से कंट्रोल किया जाने की बात हो रहा है। आप सब एक फिश का नाम जरूर सुने होंगे और रखे भी होंगे, कैटफिश। एक बहुत ही जेन्युइन रीजन है जिस वजह से इसको कैटफिश के नाम पर जाना जाता है। अगर हम इसको देखें तो इसके चेहरे के ऊपर मूछे जैसे रहता है, जैसे बिल्ली के चेहरे के ऊपर मूछे होता है वैसे। इस वजह से इसको कैटफिश कहा जाता है। इसके तरह मछलियों की और एक प्रजाति है लाइक मस्कीटो फिश। बिफोर यू स्टार्टिंग गेसिंग एनीथिंग अबाउट इट, मैं आपको बोल देता हूँ, ना कि ये मच्छरों की तरह उड़ती है ना कि ये मच्छर की तरह काटती है। शायद आप इसके बारे में जानते होंगे या सुने होंगे। ये हमारे एक एक्वेरियम के फिश के ही तरह दिखती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मच्छर को पनपने से रोकती है, कैसे, मच्छरों के लार्वा को खाके। इस वजह से इसको मस्कीटो फिश के नाम पर जाना जाता है। और इसी खुबी के वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में डेंगू से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने की सोच रहे हैं। ये वीडियो पब्लिश होने तक शायद हो भी चुका होगा। यूपी में डेंगू फैल रहा है, लोग भी इससे जूझ रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए यूपी सरकार ने मस्कीटो फिश का सहारा लेने की सोच रहे हैं। अब हम पूरा विस्तार से समझते हैं ये मस्कीटो फिश क्या है, इसका खासियत क्या है, हमारे एक्वेरियम के फिश से इसका संबंध क्या है और ये कैसे डेंगू के रोकथाम में अहम भूमिका निभाएगी। आपने आर्टिकल्स में देखा होगा, फिरोजाबाद के अंदर यूपी में काफी सारे डेंगू के केस कुछ दिनों से आ रहे हैं एंड इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम बड़ी है क्योंकि डेथ भी काफी ज्यादा हुआ है। इस प्रॉब्लम के जड़ तक जाना जरूरी है। समस्या के जड़ में क्या था, जैसे कि अगस्त सितंबर का सीजन आता है, इंडिया के ज्यादातर एरिया में मॉनसून सीजन रहता है और बरसात के समय जगह जगह पानी जम जाता है। इस पानी में और तालाबों में जहाँ पे पानी साफ नहीं रहता वहाँ पे मच्छर पनपना शुरू हो जाते हैं और वो अपने वंश विस्तार करने लगते हैं लार्वा के जरिए। यही लार्वा बाद में जाकर डेंगू मच्छर बन जाते हैं और लोगों को काटते हैं, जिस वजह से लोग बीमार पड़ते हैं और ये बीमारी लोगों के अंदर फैलती है। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए मदद करेगी गाम्बुजिया फिश, जिसको हम मस्कीटो फिश के नाम पे जानते हैं। जो पॉन्ड वगैरह में ये लार्वा पनप रहे थे, इस गाम्बुजिया मछली को वहाँ पे छोड़ा जाएगा एंड ये मछली जाके पूरा का पूरा लार्वा को ही खा जाएगी, जिससे डेंगू मच्छर के लिए मच्छर जो है वो बचेंगे ही नहीं। ना रहेगा जड़ ना फलेगा फल, ये है पूरा प्लान जो कि यूपी सरकार के द्वारा सोचा गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अभी 51 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये वीडियो पब्लिश होने तक शायद ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। स्थानीय प्रशासन इससे लड़ने के लिए 25,000 मस्कीटो फिश को, जो सो पॉन्ड और नाले वगैरह में डेंगू का मच्छर का लार्वा पनप रहा है वहां पे छोड़ा जाएगा। ये मछलियां जाके वो सब लार्वा को खाएगी और डेंगू वाले मच्छरों को ग्रो होने से रोकेगी। एक गाम्बुजिया फिश अपने शरीर से 40 गुना वजन के लार्वा को एक दिन में खा सकती है। इससे मस्कीटो जो डेंगू पैदा करते हैं और ये तालाबों में और जहां पे पानी खड़ा रहता है वहां पे एक ले करती है, वहां पे ये मस्कीटो फिश बड़े कारगर साबित होता है। वन एडल्ट फीमेल मस्कीटो फिश करीब 100 लार्वा एक दिन में खा जाती है और इस बीमारी को रोकने में कारगर साबित होगी।
ये जो बीमारी से लड़ने के लिए न्यू टेक्निक है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए हम एक लाइफ फिश का यूज कर रहे हैं। बरेली एंड बदायूं में भी ये जो टेक्निक है वो पहले ही सक्सेस हो चुकी है, इस वजह से इस टेक्निक को यूपी के फिरोजाबाद में भी किया जा रहा है। एक बार इस फिश को अगर किसी पॉन्ड वगैरह में छोड़ दिया जाएगा तो वो खुद ब खुद बड़े जल्दी से अपने वंश विस्तार कर देती है एंड वहाँ पे लार्वा को पनपने ही नहीं देगी। मॉस्किटो से बचने के लिए हम बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, जैसे कि केमिकल स्प्रे, लिक्विड वगैरह, ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये सबको आप अगर ये न्यू फिश टेक्निक से कंपेयर करेंगे तो कॉस्टिंग कम आएगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिर्फ मछली लेना है और इसको तालाब पे छोड़ देना है एंड वो खुद ब खुद अपना वंश विस्तार करती रहेगी एंड जो हार्मफुल लार्वाज है उसको खाती रहेगी। एंड इसका और एक फायदा है, ये पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हम जो केमिकल स्प्रे वगैरह करते हैं उससे हमारा पर्यावरण का नुकसान होता है, जो कि ये फिश टेक्निक से नहीं होता। ये फिश उथले पानी मीन शैलो वाटर में पाई जाती है, क्योंकि यही उथले पानी में मस्क्यूटो का लार्वा पनपता है। गंबुजिया फिश, जिसको हम मस्क्यूटो फिश के नाम पे भी जानते हैं, इसके ही तरह एक फिश हमारे घर में या एक्वेरियम में पाई जाती है, गप्पी फिश। ये भी लार्विवोरियस होती है, जो कि लार्वा को खा के जिंदा रह सकती है। ये जो मस्किटो या गफी फिश है वो बहुत जल्द रिप्रोडक्शन करती है। जिन्होंने गफी फिश रखा है उन्हें तो मालूम ही होगा, पहली बार 1910 में ये फिश को इंडिया में लाया गया था। अगेन प्रपोज से में मॉस्किटो फिश हो या गफी फिश, ये दोनों टाइप्स के जो फिश है वो मच्छरों के लार्वा को खाती है, डेंगू वगैरह को रोकने में बड़ी अहम भूमिका निभाती है। हम जैसे बहुत सारे फिश कीपर को आज से पहले इसके बारे में मालूम नहीं रहा होगा कि हमारे एक्वेरियम में इतनी काम की फिश रहती है, जो कि डेंगू जैसे बीमारी से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है। आई होप ये टेक्निक बाकी स्टेट्स भी काम में लाएंगे डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ही जाना एंड ये इन्फॉर्मेशन बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना।